अब भारत आ रहा है बुलेट ट्रेन का भी बाप। परिवार दोस्तों के साथ ट्रेन का सफर कितना मज़ेदार होता है, लेकिन वहीं अगर ट्रेन लेट हो, ट्रेन में गंदगी का अंबार हो या फिर ट्रेन के गंदे टॉयलेट हो, इन्हें देखकर ट्रेन की सवारी कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ती है। आज की तारीख में किसी भी भारतवासी से पूछें तो वो यही कहेगा कि भारत भी तकनीक में आगे निकल चुका है, ऐसे में हमें भी अफोर्डेबल गुड्स जनरली मिलनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग सही हो, ट्रेन साफ सुथरी हो और इसके साथ ही ट्रेन हाई टेक भी हो तो उसके क्या ही कहने। और जब हाई टेक ट्रेन की बात हो ही रही है तो उसमें बुलेट ट्रेन का नाम सबसे पहले आता है। तो दोस्तों अब इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी भारत में भी हाई टेक बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, और साथ ही साथ वो वक्त भी आने वाला है जब भारत में बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन हमें अपनी सर्विस देने के लिए मौजूद हो, क्योंकि अब भारत आ रहा है बुलेट ट्रेन का भी बाप। लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर भारत को इन हाई टेक ट्रेनों की ज़रूरत ही क्यों है, इंडियन रेलवे बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है तो इस पर भारत सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है। तो जानेंगे आज के इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों भारत के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत ने चीन को बड़ी संख्या के मामले में पछाड़ दिया है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को क्या हक नहीं कि वो दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। और इसी सपने को लेकर भारत सरकार रेलवे सेक्टर को अपग्रेड करने में लगी हुई है। दुनिया भर के 25 देश पहले ही हाई स्पीड ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में हमारा भारत पीछे क्यों रह सकता है। आज भारत भी अपने बुलेट ट्रेन को काफ़ी तेजी से विकसित करने में लगा हुआ है। जापानी बुलेट ट्रेन के अलावा भी भारत में देसी बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत भी दौड़ रही है, और स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन का सफ़र काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। अब तक भारत में 14 वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगी है, लेकिन खास बात यह है कि सभी ट्रेन अपनी फुल्ली कैपेसिटी में चल रही है। आपको बता दें कि इस साल अगस्त तक भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का टारगेट तय किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल मौजूदा ट्रेनों में भारत की सबसे तेज ट्रेन है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में आप और हम हाइपरलूप की सवारी भी कर सकेंगे। दुनिया में इस वक्त ये ट्रेन कहीं भी नहीं दौड़ रही है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम हमारे देश के इंजीनियर कर रहे हैं। लेकिन अब बुलेट ट्रेन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। वो लोग इसे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी तक बता रहे हैं। अब इन लोगों के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। दोस्तों उदाहरण के रूप में आप मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। इस वक्त दोनों शहरों के बीच 25 ट्रेन, 20 से ज़्यादा प्लेन और 140 से ज़्यादा ट्रेवल कंपनी की 95 वोल्वो डिलक्स बस चलती हैं, और भारत सरकार ने ये सोचकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है कि आने वाले वक्त में मुंबई अहमदाबाद के बीच 1.5 करोड़ लोग सफ़र तय करेंगे, यानी रोज़ाना 41,000 लोग। इसमें से 36,000 पैसेंजर्स बुलेट ट्रेन से होंगे। वहीं एक्सपर्ट की माने तो बुलेट ट्रेन या किसी भी हाई स्पीड ट्रेन को बनाने की कीमत ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इनके मेंटेनेंस में खर्च प्लेन के मेंटेनेंस से काफ़ी कम होता है। अगर 36,000 पैसेंजर को ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए शायद भारत सरकार को मुंबई अहमदाबाद में नए एयरपोर्ट्स भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही इनके टिकट की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद तक के टिकट की कीमत 4,000 तक होगी। फ्लाइट 1 घंटा 10 मिनट का समय लेती है, वहीं दुरंतो ट्रेन का किराया 2,000 रुपये है, ये 5.5 घंटे का वक्त लेती है। वहीं वोल्वो बस का किराया 1,000 रुपये है, जो 10 घंटे का वक्त लेती है। वहीं एयरपोर्ट पहुंचने, बोर्डिंग पास लेने, सिक्योरिटी जांच का भी वक्त जोड़ें तो ये बुलेट ट्रेन से 3 घंटे का सफ़र से ज़्यादा ही हो जाता है। वहीं बुलेट ट्रेन को हम 10 मिनट पहले भी पहुँच कर पकड़ सकते हैं। इसमें हम फ्लाइट से ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं, फैसिलिटी भी उससे ज़्यादा है, यानी बुलेट ट्रेन से हम सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। साथ ही साथ इस हाई स्पीड ट्रेन के आ जाने से हम लोग अपने ज़्यादा समय बचा सकेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। बस परेशानी इस चीज़ की है कि भारत में यह पहली बार हो रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा। वहीं जापान की एक रिसर्च निकल कर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि जिन जिन शहरों से बुलेट ट्रेन गुजरती है
वहां दूसरे शहरों के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ 2.7% से ज़्यादा देखने को मिलती है। बीसीडी कंसल्टिंग की रिपोर्ट बताती है कि बुलेट ट्रेन में सवार होने का बोर्डिंग टाइम सिर्फ 8 से 10 मिनट का है। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस रूट पर अब तक सैकड़ों पिलर वाले पुल तैयार हो गए हैं। वहीं हाई स्पीड ट्रेन के लिए मॉडर्न रेलवे स्टेशन पर भी काम चल रहा है। मतलब इससे साफ हो जाता है कि अभी बुलेट ट्रेन के चलने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन बुलेट ट्रेन को आनी ज़रूर है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अगर आपको वक्त मिला तो क्या आप बुलेट ट्रेन पर चढ़ना चाहेंगे? क्या आप बुलेट ट्रेन से सवारी करना चाहेंगे? और भारत सरकार को कब तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।